मुठभेड़ हुई है, बड़ा गैंग पकड़ा गया है, क्या क्या इसमें बरामदगी हुई है और इनका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ से ये बदमाश पकड़े गए हैं? देखिए, जनपद में विगत दिनों जो चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में कई गैंग हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया था, आज हमारी SOG टीम, SWAT टीम, सर्विलांस टीम और बरहन, अछनेरा, बसई, अरेला की टीम, इनके ज्वाइंट ऑपरेशन के उपरांत ज्वेलर्स के दुकानों में डकैती डालने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी हमले में 2 अपराधी हरिओम और नारायण दास, ये घायल भी हुए हैं, इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इन अभियुक्तों के निशानदेही पर काफ़ी मात्रा में सोने और चांदी के जवाहरात मिले हैं, 1,20,000 रुपया भी बरामद हुआ है, अवैध असलहे बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त जनपद हाथरस के बागवधिक गांव के गैंग है, जो ज्वेलर्स के दुकानों में रात्रि में डकैती डालने का काम करते थे। इन लोगों ने रायभा में लास्ट वीक हुई घटना को कबूल किया है और उस घटना में जो चोरी की गई, लूटी गई ज्वेलरी है, वो सारी बरामद की गई है। इन्हीं गैंग ने थाना सदर बाज़ार के रोहता में 2 ज्वेलर्स के दुकान में की गई चोरी को भी कबूल किया है और उससे संबंधित माल जो है, पैसे बरामद हुए हैं। इस गैंग में जो लीडर है दिलीप उर्फ कालिया और उसका सदस्य हरिओम, इनके ऊपर मथुरा, हाथरस एवं अन्य जनपदों में भी मुकदमे पूर्व से हैं। यह गैंग नॉर्मली जनपद आगरा, हाथरस, मथुरा, फिरोज़ाबाद और राजस्थान के कई जनपदों में चोरी और लूट की वारदात को पूर्व में अंजाम दिया है। इन अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई पूर्व में हुई है। इन अभियुक्तों ने पूछताछ में ये बताया कि इस पूरे गैंग, जो डकैती का गैंग है, उसके 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक पहला जो अपराध कारित करते हैं, जो आज ये 8 सदस्य पुलिस ने, हमारी टीम ने मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है। दूसरा ग्रुप है जो गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिसमें ड्राइवर या उसके मालिक होते हैं, जिसके सदस्यों को कल हमारी टीम ने थाना खंदौली में गिरफ्तार किया था। और तीसरा ग्रुप है जो इन लूटे हुए, चोरी की गई ज्वेलरी के सामान को खरीदते हैं, लेते हैं और उसको गलाकर डिस्पोज करते हैं। कई ज्वेलर्स के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई को हमारी इन टीमों ने, SP वेस्ट के नेतृत्व में CO अछनेरा की टीम ने, जो सूचनाएं कल हमें अपराधियों के गिरफ्तारी के बाद संकलित हुआ था, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र हैं और मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है।